हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल दिव्य की वीडियो पे। मैं हूं आपका होस्ट अमित। दोस्तों आज की वीडियो में मैं इंडिया की सबसे सस्ती देसी वोडका को ट्राई करूंगा। जी हां, सिर्फ 40 रुपए में ये क्वार्टर मैं लेके आया हूं। इसको टेस्ट करके देखेंगे कि ये पीने में कैसी है, कितना बर्न ये देती है। नीट भी ट्राई करेंगे और इसको माउंटेन ड्यू के साथ भी ट्राई करेंगे। दोस्तों वीडियो काफी मजेदार होगी तो प्लीज इसे एंड तक देखिए, और अगर आपको ऐसी ही मसालेदार वीडियोस देखना पसंद है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता रहता हूं। दोस्तों एक वीडियो मैंने पंजाब की देसी दारू के ऊपर बनाई थी, बिन्नी, और भाई उसका टेस्ट इतना ज्यादा गंदा था, और उस वीडियो में काफी सारे कमेंट्स आए कि ग्रीन वोडका को ट्राई कीजिए। तो भाई ये पंजाब की देसी वोडका है, बॉटल आप देख सकते हो, प्लास्टिक की बॉटल है, ये बिल्कुल पिचक रही है। जी हाँ, काफी गंदा प्लास्टिक इन्होंने यूज किया है, काफी लो क्वालिटी है। मैं अभी वोडका की बात नहीं कर रहा, सिर्फ पैकेजिंग की बात कर रहा हूं। इसके ऊपर जो मिनिमम रिटेल प्राइस उन्होंने लिखा है ये 39 रुपीज है। जी हाँ, केवल 39 रुपए, और ये मुझे 40 रुपए की मिली है। हो सकता है ये आपको महंगी भी मिले, 50 रुपए की, 60 रुपए की, लेकिन उसका मूड अच्छा था, उसने मुझे 40 रुपए में दे दी। तो भाई बॉटल देखने में अच्छी है, एक मैं बोलूंगा प्यारी सी छोटी सी बॉटल है, ऊपर ये गवर्नमेंट की सील लगी हुई है। इसके ऊपर एक मजेदार चीज मैं देख रहा हूं कि कोई भी इंग्रेडिएंट्स नहीं लिखे। जी हाँ, कि ये किस चीज से बनाई गई है कुछ भी इसके ऊपर मेंशन नहीं है। सिर्फ इन्होंने यही लिखा है कि इसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर्स को मिलाया गया है, और ये ग्रेन बेस्ड न्यूट्रल स्पिरिट्स है, जो कि मेरे हिसाब से मोलासेस होते हैं। इसकी जो एल्कोहल स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा मजेदार है, 28.5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। जी हाँ, सिर्फ 28.5% इसमें एल्कोहल स्ट्रेंथ है, जो कि काफी ज्यादा कम है। हमने इस चैनल के ऊपर बढ़िया से बढ़िया वोडका को टेस्ट किया हुआ है, 7 times जिसको डिस्टिल किया जाता है। अब ये मुझे नहीं पता कि इसको कितनी बार डिस्टिल किया गया है, क्योंकि इसके ऊपर कोई भी चीज मेंशन नहीं की गई। तो चलिए इसको ओपन करते हैं। हर बार ये जो सील है मुझे तंग करती है, इस बार मैं सीजर साथ में लेके आया हूं कि अगर ये सील नहीं खुली तो मैं इसको कट कर दूंगा। चलिए एक बार ट्राई करते हैं इसको ओपन करने के लिए। वाओ, पहली बार भाई, पहले अटेम्प्ट में ही ये बॉटल की सील मेरे से खुल गई, तो मुझे काफी बढ़िया लगा इसको खोल के, क्योंकि हर बार ये सील खुलती नहीं है और मेरी जो अल्कोहल है वो बॉटल में से बाहर आ जाती है। चलिए इसको पोर करते हैं। दोस्तों नियर अबाउट 30 ml मैंने अपनी ये वोडका को इसमें पोर कर दिया है। बिल्कुल पानी जैसा ये एक लग रही है, बिल्कुल कोई भी कलर नहीं है इसमें। हालांकि जो फ्लेवर इसमें मिलाए गए हैं काफी तगड़े मिलाए गए हैं। जैसे ही मैंने इसको गिलास में पोर किया, एक बबल गम जैसी खुशबू आनी स्टार्ट हो गई है। चलिए एक बार इसको नोज करते हैं। ऑन द नोज हल्का हल्का सौंफ का, हल्का हल्का बबल गम का अरोमा आ रहा है, और उसके बैक एंड पे एक काफी कड़क मुझे अल्कोहल की बाइट भी मिल रही है। जी हाँ, 28.5% सिर्फ इसमें अल्कोहल स्ट्रेंथ है, लेकिन फिर भी अल्कोहल की बाइट मैं काफी इजिली महसूस कर पा रहा हूं। चलिए एक बार इसको नीट ट्राई करते हैं। दोस्तों वीडियो को प्लीज लाइक कर देना। चीयर्स। सरप्राइजिंगली जितना बैड एक्सपीरियंस मेरा उस वीडियो में देसी दारू के साथ राजना, उतना बैड एक्सपीरियंस इसके साथ नहीं है। इसमें जो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स मिलाए गए हैं वो एक सौंफ का, एक बबल गम का एक अरोमा मेरे पैलेट को दे रहे हैं, लेकिन फिर भी जैसे जैसे ये नीचे जा रही है ये वो बर्न मुझे दे रही है। भाई नीट मैं इसको पी पा रहा हूं, ये नहीं कहूंगा कि मैं नहीं पी पा रहा, लेकिन आप लोग इसको नीट मत पीना। मुझे लगता है कि ये 30 ml नीट पीने से मैं स्टूडियो के बाहर नहीं जा पाऊंगा। जी हाँ, इतना तगड़ा ये इफेक्ट देने वाली है। एक बार फिर से मैं इसको नीट ट्राई करूंगा, उसके बाद इसमें हम अपनी ये माउंटेन ड्यू को ऐड करेंगे। चलिए इसको एक बार टेस्ट करते हैं।
देखो भाई पीने में कड़क तो है, लेकिन एक एक हल्का सा जो आर्टिफिशियल फ्लेवर इन्होंने डाला ना कहीं वो इस चीज को सेटल डाउन कर रहा है। हल्का सा ग्रीन एप्पल का भी अब मुझे दूसरे सिप में टेस्ट इसमें मिल रहा है। नो डाउट इसमें अल्कोहल की प्रॉपर फील मुझे आ रही है, वो बर्न मुझे मिल रहा है जैसे जैसे ये नीचे जा रही है, तो वो अपना इफेक्ट मेरी बॉडी के ऊपर छोड़ रही है। चलिए अब इसमें हम अपनी सॉफ्ट ड्रिंक को ऐड करते हैं, क्योंकि नीट पीने के लिए मैं ये सुजेस्ट नहीं करूंगा। दोस्तों जितनी हमने वोडका ऐड की थी देसी, उतनी ही मैंने माउंटेन ड्यू में ऐड कर दी है। चलिए अब इसको एक बार से टेस्ट करते हैं। चीयर्स। सॉफ्ट ड्रिंक डालने के बाद वो जो अल्कोहल का बर्न आ रहा था वो बिल्कुल सेटल डाउन हो गया है। हल्का सा एप्पल्स का टेस्ट इसमें से आ रहा है जो कि बिल्कुल आर्टिफिशियल है। बहुत ज्यादा बर्न ये मुझे अभी नहीं दे रही। तो 40 रुपए में जिस रेट में मुझे ये मिली है, मैं बहुत ज्यादा बुराइयां इसकी नहीं निकाल सकता। इतने रुपए में ये एक ठीक है, मैं बोलूंगा वोडका जिनका बजट इतना है वो इसको पी सकते हैं। एटलीस्ट वो बिन्नी से तो ये मुझे बेटर लगी। जी हाँ, उसने मेरा सिर बिल्कुल ही चकरा दिया था, इतना गंदा टेस्ट मुझे वो बिन्नी का लगा था। किस किस ने इसको ट्राई किया है प्लीज नीचे कमेंट करिए, और कौन ये छुप छुप के पीता है वो भी नीचे कमेंट करके बताना जरूर। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, जल्द मिलेंगे नई वीडियो के साथ। टिल देन चीयर्स, पियो और जियो।